बिग बॉस 14 टीआरपी के लिस्ट में गिरता ही जा रहा है। मेकर्स को पहले ही यकीन था कि इस बार का शो दर्शकों के बीच कुछ खास जगह नहीं बना पाएगा, इसलिए मेकर्स ने पहले दिन से ही सिद्धार्थ, हिना, गौहर खान की एंट्री करवाई। इन पुराने कंटेस्टेंट की वजह से शो को थोड़ी बहुत टीआरपी तो मिली, लेकिन वो मजा नहीं आ रहा है जो आना चाहिए। इसके बाद शो में ऐसे स्टार को लाने की बात कही जा रही है जिसके आते ही शो की टीआरपी आसमान पहुंच जाएगी। ऐसी उम्मीद नहीं बल्कि तय बात कही जा रही है, और ये स्टार कोई और नहीं बल्कि रिया चक्रवर्ती हैं, जो सुशांत के बाद से सोशल मीडिया पर लगातार सुर्खियों में। बिग बॉस ने रिया को शो में लाने की इच्छा जताई है। हालांकि रिया की तरफ से अभी कोई जवाब तो नहीं आया, लेकिन कहा जा रहा है कि रिया पैसों के लिए बिग बॉस 14 भी जाएंगी, और इस शो में वो ना जाने कितने राज खोलेंगी। जिस तरह से शो की लोकप्रियता है उसके मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए मेकर शो में तड़का लगाने के लिए रिया को घर में लाना चाहते हैं। हालांकि दूसरी तरफ ये भी तर्क है कि कैमरे के सामने आकर सुशांत केस को भी लेकर काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि रिया आर्थिक स्थिति से अभी ठीक नहीं है, इसलिए हो सकता है कि शो के माध्यम से दोनों की जरूरतें पूरी हो जाएं, शो को टीआरपी मिल जाएगी और रिया की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। बता दें, रिया पर आरोप है कि वो लिव इन के दौरान सुशांत के पैसों पर ऐश कर रही थी। वो विदेशों में छुट्टियां मनाने जाती थी, काफी सारा पैसा शॉपिंग पर खर्च करती थी, और अब जब रैक केस में फंसने के बाद रिया के हाथ खाली हो चुके हैं तो उनके पास मात्र एक बिग बॉस ही सहारा है। वहीं उन्हें अपनी इमेज सुधारने के लिए मेकओवर करना ही होगा, और इस वक्त रिया के लिए बिग बॉस से अच्छा प्लेटफॉर्म कोई नहीं हो सकता। खबरों के मुताबिक शो में आकर वो अपने और सुशांत के रिश्ते के बारे में कोई ना कोई खुलासा जरूर करेंगी। रैक केस के बारे में वो अपनी बात रख सकती हैं, रिया जेल में बिताए दिनों के बारे में भी बात कर सकती हैं। आपको बता दें, 7 अक्टूबर को रग मामले में अपना फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट ने रिया को जमानत दे दी थी। हालांकि उनके भाई शोविक की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया था। तो अगर आप भी बिग बॉस में रिया को देखना चाहते हैं और साथ ही सुशांत से जुड़े मामलों को जानना चाहते हैं, तो उनके लिए कमेंट जरूर करें। मिलम न्यूज रिपोर्ट।